जी हाँ नमस्कार दोस्तों, खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाली बेहद ही बड़ी खबर के दौरान आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक जिले में एक कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर 6 साल तक गलत वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान जब वह गर्भवती हो गई तो उसका कई बार गर्भपात भी करवा दिया गया है। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो आरोपी कांस्टेबल ने उससे दूरियां बना ली थी। युवती ने मामले में आरोपी कांस्टेबल की गिरफ्तारी को मांग को लेकर एसपी से गुहार भी लगाई है। वहीं युवती ने रिपोर्ट के दौरान बताया कि दूनी थाना क्षेत्र के पोलियाड निवासी पुलिस कांस्टेबल सावन कुमार ने 2015 में सामाजिक स्तर पर जान पहचान कर उससे दोस्ती कर ली थी। इसके बाद उसको शादी करने का झांसा देकर उसके साथ गलत वारदात को अंजाम दिया है। लगातार वह 6 साल से गलत वारदात को अंजाम देता रहा है। आरोपी ने 2021 में उसको कई जगह लाकर उसके साथ गलत वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई थी, जिसके दौरान उसे का गर्भपात भी करवा दिया गया है। उसके बाद जब उसने शादी करने की बात कही तो उसने दूरियां बना ली थी। युवती ने बताया कि उसने निवाई और सदर थाने में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन आरोपी ने शादी का झांसा देकर निवाई में मामला राजीनामा करवा लिया था। वहीं युवती का कहना है कि आरोपी कांस्टेबल अपने रुतबे के चलते पुलिस से साठ काट कर बच रहा है, जिसके दौरान उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।